फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं आपके साथ अनिमेश नाथ। T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर एट्स के छठा मुकाबला खेला गया वेस्ट इंडीज और USA के बीच। अब इस मैच में USA को 9 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। वेस्ट इंडीज ने USA की टीम को 9 विकेट से हरा दिया है और ये जीत बड़ी जीत है। और वेस्ट इंडीज इस जीत के साथ सुपर एट का अपना पहला दूसरा मुकाबला जो उन्होंने खेला वो जीती है और सुपर एट में उन्होंने पहली बार जीत का स्वाद चख लिया है उन्होंने। और USA कहीं ना कहीं जो उनकी सुपर एट तक वो पहुँचे और पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेल रहे थे और कहीं ना कहीं अब उनका जो आगे बढ़ने का सपना है इस हार के साथ साथ थोड़ा थोड़ा धूमिल होता दिख रहा है। और जब टॉस हुआ दोनों ही टीम के बीच तो रोमन पॉवेल ने, वेस्ट इंडीज के कप्तान रोमन पॉवेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फैसला बहुत सही साबित हुआ और USA की टीम बहुत ही कम स्कोर बनाकर मात्र 128 रन बनाकर वापस लौट गई और वो पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाए। एक गेंद शेष रह गई थी जब USA के सभी खिलाड़ी पकड़े गए लौट गए। आंद्रे गॉस उनके ओपनर, उन्होंने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, एक थोड़ा अच्छा स्टार्ट देने की कोशिश की लेकिन उनको कहीं ना कहीं वो साथ जिसकी ज़रूरत थी वो नहीं मिल पाया। स्टीवन टेलर जल्दी वापस लौट गए थे। नीतीश कुमार और एरन जोन्स ने थोड़ा सा पारी को संभालने की कोशिश जरूर की लेकिन कहीं ना कहीं उनका धीमा स्ट्राइक रेट प्रेशर बिल्डअप करता गया और ये टीम मात्र 128 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। और एरन जोन्स के बाद कहीं ना कहीं को एक बड़ा स्कोर टीम को देखने को नहीं मिला। वो भी सिर्फ मात्र 11 रन गेंदों पर 11 रन बनाए थे। वहीं इसके बाद किसी भी प्लेयर ने कोई बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। और वहीं अगर वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग पर नज़र डालें तो सबसे बेहतरीन स्टैट्स दिखे आंद्रे रसेल, उन्होंने फिर दिखाया कि एक्सपीरियंस काउंट करता है। उन्होंने इस मैच में 3 विकेट झटके, उनके साथ साथ रोस्टन चेज ने भी 3 विकेट झटके, वहीं अल्जारी जोसेफ को 2 विकेट मिले। और बात करें जब 129 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज़ की टीम, कहीं ना कहीं भी उन्होंने ये दिखाया कि वो कितने एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और से हो जिन्होंने मैच को बिल्कुल एक तरफा कर दिया। उन्होंने 39 गेंदों पर 82 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें उन्होंने 4 चौके और 8 छक्के लगाए। कप्तान और इसके साथ ओपनर जॉनसन चार्ल्स जो कि अपनी पारी को बड़ा करने में नाकाम रहे और हालांकि उन्होंने एक छक्का मारते हुए बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर उन कैच पकड़े गए जिसके बाद उनकी पारी का अंत हुआ और उन्होंने 14 गेंदों पर 15 रन बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं जॉनसन चार्ल्स को आउट करने के बाद जो USA को जरा सी खुशी जरूर महसूस हुई थी लेकिन उसके बाद एक धुआंधार खिलाड़ी फिर से क्रीज में वापस लौट गया, वो थे निकोलस पुरन जिन्होंने 12 गेंदों में 27 रनों की धुआंधार पारी खेली जिसमें उन्होंने 3 छक्के लगाए। और दोनों ही प्लेयर्स ने लगभग 200 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। सेव होप ने 210 का स्ट्राइक रेट था जबकि निकोलस पुरन ने 225 का स्ट्राइक रेट था जिसकी बदौलत ही कहीं ना कहीं 130 रन का 129 रन का जो टारगेट वेस्ट इंडीज़ को मिला था उन्होंने उसको सिर्फ 11वें ओवर की 5 गेंदें खेल कर ही अचीव कर लिया। और इस जीत के कहीं ना कहीं हीरो रहे रोस्टन चेस और इसके साथ आंद्रे रसेल और एक प्लेयर जिन्होंने 82 रनों की एक शानदार पारी खेली और वेस्ट इंडीज़ को एक बढ़िया स्टार्ट दिया। तो ये रहा है इस मैच का हाल और हम आगे भी आपसे इसी तरह की खबरों के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।